यहाँ हम एक्सरसाइज 15.1 देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th प्रोबेबिलिटी की। प्रॉब्लम 9 देखिए। ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रेंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी, पहला प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो रेड हो, सेकेंड केस में प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो वाइट हो, वाइट होने की प्रोबेबिलिटी, थर्ड केस में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो, मीन्स ग्रीन की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालनी है। तो ये प्रोबेबिलिटीज आपको निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है, 5 रेड मार्बल्स, 5 रेड प्लस 8 व्हाइट और कितने ग्रीन दिए हैं, ये 4 ग्रीन मार्बल्स दिए हुए हैं। इसको एक बॉक्स में रखा गया है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए कितने टोटल मार्बल्स हैं, वही टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये कितने हो जाएंगे, 5 + 8 + 4, यानी कि ये आ जाएगा आपका 17। अब इसमें से रेड निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं, 5 रेड मार्बल्स हैं तो इनको 5 तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट दैट मार्बल इज रेड, ये कितना हो गया 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया 17, तो ये हो जाएगा 5/17। इसी तरीके से वाइट के केस में देखिए, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हो जाएंगे, टोटल आउटकम 17 है तो ये आ जाएगा 8/17। यहाँ देखिए ग्रीन का केस देखिए, इट इज़ नॉट ग्रीन, तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से निकाल सकते हैं क्योंकि ये नॉट ग्रीन ग्रीन की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो ये हम कह सकते हैं 1 - प्रॉबिलिटी दैट मार्बल ड्रॉन इज ग्रीन। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 - ग्रीन कितने हैं, 4 हैं, 4 तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 4, डिनोमिनेटर में 17, ये आ जाएगा 13/17। इसको हम वैसे भी कर सकते थे, नॉट ग्रीन मतलब ये ना हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इनके नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 13। तो डायरेक्टली हम लिख सकते थे प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल ड्रॉन इज नॉट ग्रीन, इट इज 13/17। नेक्स्ट देखिए 10th एग्जाम्पल, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन, 100 कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू कितनी है 50 पैसा। 50 कॉइन्स जो हैं इसमें दिया हुआ है 50 रुपीज़ 1 कॉइन, इसकी वैल्यू कितनी है ₹1। 20 रुपीज़ 2 कॉइन, 20 कॉइन्स जो है वो ₹2 है, एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन, 10 कॉइन्स जो हैं वो ₹5 के, ₹5 के हैं। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, पहली प्रोबेबिलिटी निकालनी है द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दूसरा पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, तो यहाँ पे नॉट लगा है, मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट इक्वल टू ₹5 कॉइन। तो ये दो प्रोबेबिलिटीज निकालनी है हमको। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, टोटल कॉइन्स कितने हैं 100 50 20 10, इनको ऐड कर देंगे ये हो जाएगा हमारा 180। तो ये बेसिकली क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन इज 50 पैसा कॉइन, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 50 पैसे कितने कॉइन है 100, तो फेवरेबल इवेंट्स हो गए 100, टोटल आउटकम्स 180, तो ये आपका आ जाएगा 10/18 या 5/9। दूसरा पार्ट, ₹5 कॉइन ना हो, मतलब कि ये इवेंट नहीं होनी है, तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट ये वाली इवेंट हो जाए।
तो यहाँ पे देखिए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आप देखिए ये सारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, 150 + 20 170, तो ये हो जाएगा 170 / 180, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 17/80। अब 11th क्वेश्चन देखिए, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 male fish एंड 8 female fish, मीन्स टोटल फिश देखें, टोटल फिशेस कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ फिशेस ये हो गई 5 + 8, इसमें 5 जो है मेल है, 8 female है, तो ये हो गया 13 fishes। What is the probability that the fish taken out is a male fish? Probability that the fish taken out is a male fish. तो देखिए यहाँ पे total number of ways कितने हो गए, 13. तो denominator में क्या आ जाएगा, 13. Male fish के आने के संभावना कितनी है, male fish कितने तरीके से आ सकती है, 5 तरीके से आ सकती है। Favorable outcome कितने हो गए, 5. तो answer क्या हो गया, 5/13।